नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र में यूनिट संख्या 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर कॉस्ट एनालिसिस लागत विश्लेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। लागत विश्लेषण के चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, उसकी हम आज इस वीडियो के माध्यम से, इस व्याख्यान के माध्यम से आपको डिलीवर करेंगे कि दीर्घकालीन औसत लागतों की प्रमुख विशेषताएं तथा इसके प्रबंधकीय उपयोग एवं दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी लागत विश्लेषण के अंतर्गत अल्पकालीन लागतों के बारे में, जो कि अल्पकालीन लागतें कौन सी हैं, विभिन्न प्रकार की अल्पकालीन लागतें कौन सी हैं, सचित्र व्याख्या हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। क्योंकि ये कॉस्ट एनालिसिस चैप्टर में ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए आज हम इसी क्रम में दीर्घकालीन औसत लागत के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया कि अल्पकालीन लागतें क्या हैं, अल्पकालीन लागतें का समयावधि क्या होती थी, कम, जो कि कुछ लागतें इसमें स्थिर रहती थी, कुछ लागतें परिवर्तनशील होती थी, तो वो कौन सी लागतें कहलाती थी, अल्पकालीन लागतें कहलाती थी। अब बात करें यहाँ पर दीर्घकालीन लागतें, क्योंकि दीर्घकालीन लागतें में दीर्घकाल समय में कोई भी लागत क्या होगी, स्थिर नहीं होगी, मतलब लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होंगी, सभी कॉस्ट क्या होंगी, परिवर्तनशील होंगी, वेरिएबल कॉस्ट सभी लागतें क्या होंगी, परिवर्तनशील होंगी, वो अपनी क्या कहलाएंगी, दीर्घकालीन लागत कहलाती है। तो हम इसकी भूमिका के बारे में जानें कि दीर्घकालीन लागत क्या है। तो दीर्घकालीन लागतें वे लागतें हैं जो फर्म को दीर्घकाल में उत्पादन करने पर व्यय करनी होती हैं। दीर्घकाल में कोई भी स्थायी लागतें नहीं होती हैं, सभी लागतें परिवर्तनशील लागतें होती हैं। अब दीर्घकालीन हम बात करें औसत लागतों की, तो दीर्घकालीन औसत लागत हम किस प्रकार से निकालेंगे कि दीर्घकालीन कुल लागत में वस्तु के उत्पादन की इकाइयां का भाग देने पर दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त होती हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की विभिन्न मात्राओं की न्यूनतम औसत लागत को व्यक्त करती हैं। किस प्रकार से, मैंने आपको बताया कुल लागत में वस्तु के उत्पादन की इकाइयों की भाग देंगे, टोटल कॉस्ट में हम जो भी प्रोडक्शन यूनिट है क्वांटिटी उसका हम भाग दे देंगे, तो दीर्घकालीन औसत लागतें प्राप्त होंगी। दीर्घकालीन औसत लागतें क्योंकि उत्पादन की विभिन्न मात्राओं की न्यूनतम औसत लागत को ये व्यक्त करती हैं। किस प्रकार से, क्योंकि लंबा टाइम पीरियड होता है तो इसमें विभिन्न प्रकार की अल्पकालीन लागतों की हमें क्या पड़ती हैं, ज़रूरतें पड़ती हैं। तो उत्पादन करने पर सभी लागतें इसमें परिवर्तन होती हैं, कॉस्ट वाई ओ एक्स। इस प्रकार से हम शॉर्ट में दीर्घकालीन लागतों के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दीर्घकालीन लागतें अल्पकालीन लागतों पर निर्भर करती हैं। तो दीर्घकालीन लागतें इस प्रकार से होती हैं जो कि लंबे टाइम पीरियड पे लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, इन पे जो लागतें स्पर्श करती हैं उनके आधार पे दीर्घकालीन औसत लागतों को माना गया है। तो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट 1, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट 2, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट 3, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट 4 और शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट 4। तो दीर्घकालीन लागतों में अल्पकालीन लागतों का
क्रियान्वयन एवं अहम भूमिका होती है। शुरू में अल्पकालीन लागतें वहन की जाती हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी विशेषताओं की बात करें कि दीर्घकालीन औसत लागत की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, तो उसमें हम सर्वप्रथम विशेषताओं की बात करें, क्योंकि दीर्घकालीन औसत लागत में मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी प्रोडक्शन का भाग देने पर अपने सामने दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। तो इसकी पहली विशेषता तो यह हो गई दीर्घकालीन औसत लागतों वक्र की, कि दीर्घकालीन औसत लागत रेखा सभी अल्पकालीन औसत लागत रेखाओं को ढक लेती हैं, इसलिए इसे आवरण वक्र भी कहते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि सभी प्रकार की अल्पकालीन लागतों को क्या कर लेंगी, यहाँ पर ढक लेंगी। तो एक तो ये विशेषता हो गई। एक लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट सदैव शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट से कम होता है, इसी कारण यह भी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट से ऊपर नहीं उठ पाती हैं। तीसरी, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट रेखा शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट रेखाओं को केवल स्पर्श करती हैं, काटती नहीं हैं। ये इसकी विशेषता है। लॉन्ग टर्म एवरेज रेखा भी शॉर्ट टर्म एवरेज रेखाओं की तरह है, यू आकार की होती है, परंतु यह शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट रेखाओं की अपेक्षा अधिक चपटी होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। पांचवी विशेषता की हम बात करें, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट रेखा का न्यूनतम बिंदु उत्पादन की न्यूनतम लागत तथा फर्म के अनुकूलतम आकार के रूप में व्यक्त करती हैं। लॉन्ग टर्म रेखा फर्म के लिए नियोजन वक्र का कार्य करती हैं। तो ये इस प्रकार की इनकी विशेषताएं हैं। अगली विशेषता की बात करें कि लॉन्ग टर्म एवरेज रेखा शॉर्ट टर्म एवरेज रेखा को सदैव न्यूनतम बिंदुओं पर स्पर्श नहीं करती हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज रेखा दीर्घकाल में केवल संभावित उत्पादन मात्रा के लिए न्यूनतम संभावित लागतें कहलाती हैं। तो ये तो इस प्रकार से इसकी विशेषता हुई। जैसे तो मैंने आपको बताया, पहली विशेषता इसके पूरे आवरण को ढक लेती हैं, एक विशेषता तो ये है लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। दूसरी, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट सदैव शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट से ऊपर होता है, इसी कारण इसे शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट के ऊपर उठा नहीं पाती है। एक लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट रेखा शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट रेखा के केवल स्पर्श करती हैं, यहाँ पर क्या करेंगी, ये सिर्फ स्पर्श ही करती हैं, न कि इनको काटती हैं। ये इसकी विशेषता है। एक लॉन्ग टर्म एवरेज रेखा का आकार यू आकार का होता है, क्योंकि ये दीर्घकाल में परिवर्तनशील होती रहती हैं, परंतु यह शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट रेखाओं की अपेक्षा अधिक चपटी होती हैं। तो ये है। अगला, लॉन्ग टर्म एवरेज रेखा का न्यूनतम बिंदु उत्पादन की न्यूनतम लागत तथा फर्म के अनुकूलतम आकार को व्यक्त कर पाती है, ये इसकी विशेषता है। एक लॉन्ग टर्म एवरेज रेखा फर्म के लिए नियोजन वक्र के रूप में कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। एक लॉन्ग टर्म एवरेज रेखाएँ शॉर्ट टर्म एवरेज रेखा के सदैव अनुकूलतम बिंदुओं पर स्पर्श नहीं करती हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज रेखा दीर्घकाल में केवल संभावित उत्पादन मात्रा के लिए ही न्यूनतम संभावित लागतें कहलाती हैं। अब हम बात करें, ये तो इसकी विशेषताओं की बात होगी, अब प्रबंधकीय क्षेत्रों में इसका क्या उपयोग है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के प्रबंधकीय उपयोग और यह यू आकार का क्यों होता है। इस प्रकार से होता है यू आकार का, क्योंकि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र पैमाने की बचतों व पैमानों की हानियों के कारण यह अंग्रेजी में यू आकार की होती है, क्योंकि पैमाने के बचतों के कारण और पैमाने के हानियों के कारण इसे हम यू आकार की कह सकते हैं। जब कभी भी फर्म अपने उत्पादन में या फिर जब कोई भी फर्म उत्पादन प्रारंभ करती हैं, तो लॉन्ग टर्म एवरेज वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ जाता है। जैसे जब शुरू में प्रारंभ करती हैं तो ऊपर से नीचे की ओर
जाते हुए ऊपर उठता है। तो इस प्रकार से न्यूनतम होने के बाद यह बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो इसे पैमाने की दो प्रकार की बचतें प्रभावित करती हैं, जो कौन कौन सी हैं? आंतरिक बचत और बाह्य बचत। इसके कारण यह यू आकार का होता है। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। यू आकार का इस प्रकार से होता है क्योंकि जब पैमाने की बचतें और हानियों के कारण इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बचतें आंतरिक बाह्य बचत इसको प्रभावित करती हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म एवरेज कर्व या लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट यू आकार का होता है। अब हम बात करें इसके प्रबंधकीय उपयोग की। दीर्घकालीन औसत लागत का जब प्रबंधकीय उपयोग कि दीर्घकालीन औसत लागत रेखा प्रबंधकीय निर्णयों में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जब कभी भी फर्म अपने उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन करना चाहती है, प्रोडक्शन के पैमाने में क्या करना चाहेगी, परिवर्तन करना चाहेगी, तब वह रेखा फर्म के लिए संयंत्र के सर्वोत्तम पैमाने का निर्धारण करने में सहायक होती हैं। और एक प्रबंध अपने फर्म की न्यूनतम लागतें लगाकर अधिकतम उत्पादन या अधिकतम लाभ कमाना या कमा पाता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम लागत पे क्या करना है, अधिकतम उत्पादन। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, प्रबंधकीय उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कोई भी प्रबंधक चाहे कैसा हो वो अपनी लागतों को कम करके प्रोडक्शन बढ़ाएगा। प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि वो किसी जो भी अपना उत्पाद है उसको वो बेचना चाहेगा, तो उस उत्पाद को बेचने से, उस प्रोडक्ट को बेचने से उसको कितना लाभ हुआ, यही इसका प्रबंधकीय उपयोग है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स प्रभावित करते हैं या विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, नियोजन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, समन्वय। तो इस प्रकार से प्रबंधकीय उपयोग में इसकी अहम भूमिका होती है। तो हम आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र किसे कहते हैं और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, और इस दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का प्रबंधकीय उपयोग क्या है। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि यूनिट संख्या 4 के अंतर हम मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे कि बाज़ार किसे कहते हैं, बाज़ार की संरचना, उसका आकार, स्ट्रक्चर क्या है, और बाज़ार कितने प्रकार का होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, एकाधिकार, अल्पाधिकार, विभेदात्मक एकाधिकार के बारे में हम मूल्य व उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका जो 4th यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, आपके यूनिवर्सिटी के कोर्स के अनुसार पूरी 4th यूनिट मार्केट से संबंधित है। तो अगले वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे बाज़ार के बारे में, बाज़ार की संरचना और उसके प्रकार के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।